हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग एसएमएल विद अभिषेक। तो আজকের ভিডিওটা হিন্দিতে বানাবো, কারণ আমাদের কিছু মানে কাস্টমার আছে বা আমাদের কিছু ফ্রেন্ড আছে যারা সাধারণত বুঝতে পারে না বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ। তো চলিয়ে শুরু করতে হ্যাঁ। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में ही मतलब पूरा सा लिखा हुआ है कि रैबिट फार्मिंग ए टू जेड। तो मतलब पूरा सा क्या क्या करना होता है, इन्वेस्ट कितना होता है, तो पूरा डिटेल्स बोलूंगा। तो सबसे पहले भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, रैबिट फार्मिंग या फिर कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस करने के लिए इस बात की अंडरकोर्स होना जरूरी है। क्यों है ये मैं आपको एक छोटा सा मतलब एग्जाम्पल देके समझ आप समझिए थोड़ा, कि आप समझ लीजिए कि एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और 10,000 या फिर 1,000 आप उस पर इन्वेस्ट किया, अगर वो बिजनेस चला तो मतलब आपका मुनाफा होगा, वो तो होगा ही, लेकिन अगर आपका लॉस होगा तो वो मतलब गया। तो मतलब अगर आपके पास जिगरा है तो ही बिजनेस कीजिए, बिजनेस की मतलब मुनाफा नहीं है। हो सकता है कि ज्यादा बार मुनाफा हो या फिर नहीं भी हो, अगर आप फेलियोर हो तो फेलियोर को मतलब ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए, हर एक फेलियोर को लर्निंग की तरह लीजिए। तो मतलब क्या क्या करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट कितना होगा और फूड क्या क्या देते हैं सब कुछ बोलेंगे। और एक बात, मैं थोड़ा सा जॉब पर्पस के लिए तो मतलब गुजरात जा रहा हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो फार्म है उसमें से आप रैबिट खरीदेंगे तो मतलब बिल्कुल खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए मेरा मम्मी जी का नंबर है, वो जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बोल भी रहे हो 8697923265। इस नंबर पे आप लोग सिर्फ कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नहीं है कोई। और मेरा डैडी का फोन नंबर तो मतलब आप लोगों को पता ही है, 9674835168। अगर आप लोग कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो मतलब रैबिट फार्म जो है सोनारपुर में है, इसका लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पूरा मतलब लाइव लोकेशन, तो आप लोग मैप के जरिए ट्रैक करके आ सकते हैं। तो मतलब सबसे पहले जो बात बोलेंगे, अगर आप रैबिट फार्मिंग करना चाहते हैं तो मार्केट में मतलब हार्ड में जो रैबिट मिलता है उसको मत खरीदिए। सबसे पहला बात कि आप लोग छोटा छोटा करके खरीदिए, मतलब वो जो छोटा होता है ना, एक महीने का, डेढ़ महीने का, उससे क्या होगा कि अगर रैबिट को आप छोटा से बड़ा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब शुरू से क्या क्या तकलीफ या फिर प्रॉब्लम होता है या फिर प्रॉफिट कितना होता है। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, एक रैबिट, मेल रैबिट, वो एडल्ट होता है 8 से 12 महीने में प्रॉपर, और एक फीमेल रैबिट 6 महीने में प्रॉपर एडल्ट होता है। और अगर मतलब आप कोई लोग सोच रहे हैं कि मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर इसमें टाइम कम देना पड़ता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर एक रैबिट मतलब चाहे वो राशियन हो, अंगोरा हो या फिर नॉर्मल न्यूजीलैंड हो, वो अगर प्रेग्नेंट होता है तो उसका डिलीवरी टाइम होता है लगभग 28 से 34 डेज, इसके अंदर वो डिलीवरी कर देता है। लेकिन उसको जो भी मतलब बर्नी होता है, बच्चा रैबिट जो कहते हैं, तो उसको अगर हम मतलब पालना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि एक रैबिट का 4 बच्चा हुआ, 4, 6 या फिर 8 कुछ भी हो सकता है, मेरा फार्म में हाईएस्ट हुआ है 9 एक रैबिट का। तो एक रैबिट का मिनिमम 2 हो सकता है फर्स्ट टाइम होगा तो, या फिर 4, 5, 6, हाईएस्ट आपका 8, 9 हो सकता है। तो अगर बच्चा हुआ तो उसको पहले 3 हफ्ता फास्ट 3 वीक आपको दिन में 2 से 3 बार करके उसको मम्मी को पकड़ के उसको फीडिंग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप, उसका वीडियो मेरा चैनल पे पहले ही है, तो आप लोग वीडियो थोड़ा सा चेक कीजिए, मिल जाएगा। और क्या क्या फूड देना पड़ेगा सब कुछ है, मेरा चैनल पे है। और अगर बात करूं कि फायदे का, तो समझ लीजिए कि एक रैबिट, एक फीमेल रैबिट आपको 1 साल में लगभग 8 बच्चा देगा, 8। अगर आप मतलब एवरेज अगर हिसाब करें तो 5 अगर एक एक बार में होगा तो 8 इंटू 5 40
पीसेस आपको एक फीमेल रैबिट से मिलेगा, लेकिन एक बात है कि उसको ठंड लग सकता है या फिर डायरिया हो सकता है, वो सब कुछ आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा शुरू से लेकर। मतलब आप जब देखेंगे कि एक छोटा सा रैबिट है वो क्या क्या खाता है नहीं खाता है, और कुछ कुछ रैबिट तो ऐसे ही है भाई, मतलब बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं। और अगर आपके घर घर में एक है तो ठीक है, वो फैमिली मेंबर की तरह रह लेगा, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा है तो एक काम कीजिए, अगर आपके घर में मतलब एक दिन के लिए कोई मेहमान आए तो वो आपका पेट है, लेकिन आप अगर मतलब बहुत ज्यादा दिन के लिए कुछ फार्मिंग करने चाहते हैं तो उसको आपका फैमिली मेंबर की तरह रहना सिखाना होगा। उसका सारा का सारा फूड डाइट सब कुछ बताऊंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मतलब मेरा जो ये फार्म है सब कुछ सेटअप कैसे किया है मैंने खुद ही किया है, लगभग 3 से 3.5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा, जैसे कि एक ही बार में मेरा 17 रैबिट मर गया था एक ही बार में। तो मतलब उससे मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा। और मैं अभी इंग्लिश अंगोरा भी लाने का ट्राई कर रहा हूँ, मेरे पास अभी बेल्जियम है, रशियन है, न्यूजीलैंड है, चिलचिला है। और अगर आप लोग मतलब एकदम शुरू करना चाहते हैं तो पहले एक काम कीजिए, जो कम पैसों से आते हैं, एकदम कम पैसों से, वो व्हाइट वाला ले सकते हो, ब्लैक वाला ले सकते हो, कम पैसों का देके इन्वेस्ट करिए, स्टार्ट करिए। और रैबिट का पैसा ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका वो कौन सी जगह में रह रहे। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मतलब जो कार्टून आता है ना वो फ्रूट्स का, उसके अंदर वो रह सकते हैं, लेकिन भाई नहीं, नहीं रह सकता वो, और खुला भी नहीं रह सकता, क्योंकि जो कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, उसको मार देगा भाई। नेहुला होता है ना, बहुत खतरनाक होता है वो लोग, ठीक है। तो मतलब कैसे रहेगा दिखाते हैं। सबसे पहली बात कि आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को ऐसा कुछ केज तैयार करना है। केज का मतलब पता ही चल रहा होगा आपको, ऐसा कुछ केज जो मैंने घर में बनाया है, जिसका हाइट मतलब ग्राउंड लेवल से लगभग मैंने 3 फुट का दूरी रखा है, हाइट में रखा है 3 फुट, क्योंकि वो अगर पॉटी करेगा, पी करेगा, खाएगा, सब कुछ जो वेस्टेज होगा वो नीचे में गिर जाएगा, ठीक है। और अगर मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ तो मतलब रैबिट का इन्फेक्शन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, बहुत कुछ मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। और कोई कोई लोग बोलते हैं भाई आपका जो सफ़ेद खरगोश है वो मतलब कुछ महीने में पीला हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब आप अगर उसका जो जगह है वो ठीक ठाक से रह रहे तो मतलब कुछ भी नहीं होगा, उसका कलर डिसकलर नहीं होगा, उसका मतलब जो फार होता है वो भी मतलब नहीं गिरेगा। तो मतलब ये देख लीजिए आप लोग, मिट्टी से ऊपर रहना है, ऐसे करके मतलब ऊपर रहना है। रैबिट खरीदने से पहले उसका जगह ठीक कीजिए आप लोग कि कौन सी जगह पे रहेगा। और अगर मतलब गर्मी के मौसम हो तो ऐसा सीलिंग कर दीजिए ऊपर में, प्लास्टिक से या फिर थर्मोकोल से सीलिंग कर दीजिए। और अगर बारिश का मौसम हो तो मतलब ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होता, सिर्फ डायरिया का थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम रहता है। ये देखिए, ये बेल्जियम है, ठीक है। अभी तो बाबू गेहूँ खा रहा है, देख पा रहे हो आप लोग, गेहूँ खा रहा है, ये बेल्जियम है, ये सारा का सारा बेल्जियम है। और इधर बच्चा पार्टी है, देख सकते हैं आप लोग। और मतलब ऐसे करके केज आप लोग बना सकते हैं। और अगर फायदे की बात करें तो भाई ये एक बिजनेस है, ठीक है। तो एक महीने में आप कितने फीमेल रखते हो तो उसके ऊपर आपकी फायदा डिपेंड करेगा। मतलब अगर आप एक बच्चा सेल करोगे तो आपको पाइकड़ी में अगर करिएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए मिलेगा एक बच्चा का, न्यूजीलैंड का। तो आप मेक श्योर कि खुद की पहचान से उसको बेच सके, मतलब आप खुद कस्टमर से बेच सके। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक रैबिट आपको पालने में छोटा से पैदा होने से लेकर टोटल टाइम लगता है भाई, मतलब 1 महीने या फिर 1.5 महीने। और अगर ये 1 और 1.5 महीने में आपको
दिन में 3 से 2 बार अगर खाना खिलाना होगा तो बहुत ज्यादा टाइम जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि खुद से सेल कीजिए, कोई थर्ड पार्टी बिजनेस जो बंदा करता है उसके पास मत लेके जाइए। आप लोग सोशल मीडिया का मतलब हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो ऐसे करके खुद का पहचान बनाइए सबसे पहले। और खाना वगैरह क्या क्या देना पड़ेगा वो तो मैंने दे दिया है। अगर आप कोई भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप कोई भी रैबिट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका जगह ठीक कीजिए ऐसे करके। और हमेशा ये जो मेल रैबिट होता है वो सेपरेटली हमेशा सेपरेटली रहेगा, सारे के सारे मेल रैबिट देख सकते हैं, राशियन चिलचिला है ये वाला रेड है पूरा, देख सकते हैं आप लोग। रेड हमेशा अलग रहेगा, सिर्फ ब्रीडिंग के टाइम मतलब 10 से 15 मिनट के लिए ये लोग फीमेल को लेकर मेल की केज में हम लोग डाल देते हैं और उसके बाद अलग करके रख देते हैं। और डिलीवरी के टाइम एक अलग टाइप का मैंने खांचा तैयार किया है ये वाला देख सकते, इसके अंदर में डाल देता हूँ और उसके बाद मतलब बच्चा होने के बाद लेके चाटा ले जाता हूँ ये वाला। तो मतलब ये टोटल जो है मेरा मैंने दिखा दिया आपको। और आगे चलिए कुछ बात तो करते हैं। आपने देखा कि कैसे एक रैबिट का जो फार्मिंग होता है वो कैसे होता है और खाने में क्या क्या खाता है वो तो मतलब मैंने मेरा कुछ वीडियो में बोल ही दिया है। तो मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ आप लोगों ने फेस किया तो मुझे मतलब व्हाट्सएप कर सकते हैं 9051727320। मैं थोड़ा सा जॉब के लिए बाहर जा रहा हूँ सूरत सिटी, तो मतलब रिप्लाई देने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब विद इन 8 आवर्स में आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर आप मेरा फार्म में विजिट करना चाहता है और नहीं कर पा रहा है तो मतलब आप मेरा डैडी या फिर मम्मी जी को कॉल कर सकते हैं, वो लोग मतलब बोल देंगे। और अगर आप चाहते हैं तो अभी भी मेरा फार्म में बहुत सारा बच्चा है जो रेडी हो गया, राशियन चिलचिला है, रेड कलर का है, ब्लैक कलर का है, न्यूजीलैंड का सारा, और आप लोग अगर चाहे तो ग्रे कलर भी ले सकते हैं सारा का सारा। और बेल्जियम थोड़े दिन में मिल जाएगा आप लोगों को, मतलब आप पकड़ लीजिए कि 4 से 5 महीने में आप लोगों को बेल्जियम का पूरा प्योर ब्रीड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी रेड एंड व्हाइट बोथ कलर में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ महीनों के बाद मैं इंग्लिश अंगोरा लाऊंगा जिसका प्राइस आप लोगों को पता ही है कि मार्केट में 15,000 पर पेयर है, तो उसको मैं थोड़ा सा कम में भी सेल कर सकता हूँ। आगे का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मतलब मिल जाएगा, आप बेल आइकॉन को ऑल पे सेट करके रखिएगा मेरा वीडियोस देखने के लिए। और मतलब अगर आप मतलब आपकी तरह कुछ लोगों को हेल्प करना चाहते हैं तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, लाइक करना या फिर अनलाइक करना ये आप लोगों की पर्सनल मैटर है। तो चलिए धन्यवाद, भारत माता की जय।